तो गैप द सीरीज की एपिसोड 2 स्टार्ट होती है मॉन से, जो कि रोड क्रॉस कर रही थी और एक कार से टक्कर होने ही वाली थी कि सैम आके उसको अपनी तरफ खींच लिया। और तभी सीन थोड़ी स्लो मोशन सी हो गई थी। फिर आगे हम देखते हैं सैम उसे बोलती है, क्या मैंने तुम्हें ऑफिस का बहुत सारा काम दे दिया जो तुम कार के नीचे आने वाला था? तो मॉन कहती है, नो मैं बस रोड क्रॉस कर रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। सैम उसकी निकनेम पूछती है और बोलती है कि तुम इतने लेट नाइट को घर कैसे जाओगे? तो मॉन बोलती है कि मैंने टैक्सी बुक किया बट वो अभी आया नहीं। तो सैम एक बार उसके कपड़े की तरफ देख लेती है और कहती है कि तुम इतने लेट नाइट को टैक्सी में जाओगे और इन कपड़ों में? तो सैम तभी अपनी कार से एक कोट ले आती है और उसको पहना देती है और अपनी फोन से मॉन के लिए एक VIP टैक्सी बुक करती है। सैम उसके लिए वरीड है, ये देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करने लगी। फिर सैम मॉन की ID कांटेक्ट लेती है और बोलती है कि घर जाके एक मैसेज कर देना। ये बोल के वो अपनी कार में बैठे चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉन अपनी घर के गेट पे खड़ी होती है और उसके भाई उसके लेट होने की वजह से उसको पिकअप करने जाने वाला है, पर वो मॉन को देख लेता है और कहता है कि आज इतना लेट कैसे हो गया। मॉन बोलती है, कुछ नहीं, बस आज एक ऑफिस की पार्टी थी इसलिए लेट हो गई। फिर दिखाया जाता है सैम को जो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में होती है और उसके फ्रेंड उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुमने हम सबको मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? सैम बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ है, आखिर बात क्या है? तो सैम बोलती है कि मैं बस अपनी ग्रैंड मदर से परेशान हूँ। और फिर सैम को सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन फ्लैशबैक में आती है जहाँ पे सैम की ग्रैंड मदर एक फोटो को फेंकती है और तभी सैम की सिस्टर न्योंग आती है और उस फोटो को वापस करने के लिए बोलती है, बट उसकी ग्रैंड मदर उस फोटो के ऊपर लाइटर फेंक के आग लगा देती है। ये देख कर न्योंग बहुत ही ज्यादा हॉट हो रही थी और रो रही थी और बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि उस फोटो को वापस कर दे, पर उसकी ग्रैंड मदर ये बात नहीं सुनती और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है। और लास्ट में उसकी ग्रैंड मदर ये बोल ही देती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो वो भी अपनी ग्रैंड मदर से उस टाइम बहुत ज्यादा नाराज थी और गुस्सा थी, इसीलिए वो चली गई। एंड सैम का एक और सिस्टर थी, हर नेम इज सॉन्ग, उसके साथ भी ऐसा ही हुई। एक दिन उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसकी ग्रैंड मदर आके उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोलकर सॉन्ग ने देखी, उस पे एक तस्वीर है जो कि एक लड़के की है। एंड उसके ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही है कि तुम इस लड़के से शादी कर लो। कि तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज आई एम इन लव विद अ पर्सन। तो उसके ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और बोलती है कि कौन है वो लड़का और क्या स्टेटस है उसका। तो सॉन्ग बोलती है, नॉट ही, हर नेम इज आइस एंड दिस इज अ वुमन। ये बात सुनकर उसकी दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो सॉन्ग बहुत ही हर्ट होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और सभी फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि सैम की दोनों सिस्टर के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। फिर सैम बोलती है कि उसकी दादी ये चाहती है इस ईयर तक वो अपनी ऑफिस को सक्सेसफुल बना ले एंड उसकी दादी जिसको पसंद किया है उसी के साथ वो शादी कर ले। ये बात सुन के उसके सारे फ्रेंड बहुत ही सैड फील करती है और बोलती है कि कोई ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच सैम की फोन में मॉन की मैसेज आती है। फिर उसके तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे को गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। सैम अपनी कार में होती है और मॉन के मैसेज पढ़ती है जहाँ मॉन ने लिखी कि मैं घर आ गई। तो सैम उसे मैसेज करती है कि तुम बहुत लेट हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ऑफिस जहाँ मॉन एंड सारी एम्प्लॉय डिस्कस कर रही थी उसकी न्यू ऑनलाइन प्रोजेक्ट डाइवर्सिटी पॉप के बारे में, क्योंकि आज उसका प्रेजेंटेशन है। फिर सैम की कॉल आती है जो कि मॉन के लिए। इधर ऑफिस में दिखाया जाता है कि सैम को मॉन के प्रोजेक्ट पसंद नहीं आती, वो उसे दोबारा करने के लिए बोलती है और ऐसे करके वो उसे 3 बार रिजेक्ट कर दिया। फिर लास्ट में एक डिजाइन उसको पसंद आती है बट वो भी सैम के लिए उतना परफेक्ट नहीं था और उधर वो उसे थोड़ी डांटती है और बोलती है कि तुम्हें बाकी एम्प्लॉय से थोड़ा बेटर काम करनी होगी। फिर मॉन अपनी डेस्क पे आ जाती है और अपने काम को लेकर बैठ जाती है और काम करते करते बहुत लेट हो गई थी और तब तक सारे एम्प्लॉय वहाँ से जा चुके होते हैं। वो भी अपनी काम खत्म करके जा रही थी कि देखा सैम की ऑफिस में लाइट्स ऑन है और इधर सैम की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। सर दुखने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और फिर टेबल पकड़ के बैठ गई। अभी डोर ओपन करके मॉन आती है तो फिर मॉन उसे वहाँ से आहिस्ता उठाकर सोफे में लेटा देती है, कहती है कि तुम्हारे सर दर्द के मेडिसिन कहाँ है। तो सैम बोलती है कि मेरे फियांसे का कॉल करो, उसे पता है। तो मॉन सैम के पर्स से मोबाइल लेती है बट उसमें लॉक होता है। तो मॉन उस मोबाइल को लेके सैम के पास आती है और उसे लॉक खुलवाती है। फिर मॉन उसके फियांसे को कॉल करती है, सैम के बारे में सब कुछ बोलती है। तो सैम के फियांसे बोलती है, अगर मैं मेडिसिन शॉप की एड्रेस दे दूं तो क्या तुम जा पाओगे?
तो मोन एक बार सैम की तरफ देख लेती है और बोलती है कि हाँ। मोन उस एड्रेस पे जाके उसके लिए मेडिसिन ले आती है और फिर मोन सैम को सोफे से उठाकर उसे मेडिसिन दे देती है। और फिर मोन जैसे ही टेबल पे ग्लास रखी, सैम ने उसे गोदी पर अपनी सर रख दिया और उसे बोला कि तुम ज्यादा हिलो मत, मैं थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ। फिर मोन सैम के माथे पे किस करने ही वाली थी कि तभी उसका फियांसे का कॉल आ गया और वो पूछने लगा कि सैम कैसा है, तो मोन ने बोली कि वो अब ठीक है। फिर वो फोन रख देता है। फिर सैम उसे बोलती है कि तुमने फोन क्यों उठाया, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं सो रही हूँ। फिर वो उसे बोलती है क्या तुम्हें ड्राइव करना आता है, क्योंकि मैं इस हालत में ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी। तो मोन बोलती है नहीं, तो सैम बोलती है व्हाट अ यूज़लेस। फिर मोन एक टैक्सी बुलाती है और सैम को अपने साथ उसके घर तक ड्रॉप करने जाती है। मोन सैम के घर को देखकर सैम से पूछा इज दिस योर प्लेस, तो सैम ने बोली क्यों, डज इट लुक लाइक अ टेंपल फॉर यू। फिर बोलती है ज्यादा फॉर्मल मत बनो, घर पहुंचते ही एक मैसेज कर देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोन को जो सैम को मैसेज कर रही होती है। सैम ने रिप्लाई दिया मैं इस हालत में मैसेज सी नहीं कर पाऊंगी, तुम कॉल करो। मोन सडनली उसको कॉल किया और बोली कि मैं घर पहुंच गई। तो सैम उसको बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा सर दुख रहा है, तुमने कॉल क्यों किया। मोन उसे बोलती है क्या तुम्हारा सर अभी भी दुख रहा है, तो सैम बोलती है मेरा सर ही दुख रही थी, मेरा मेमोरी लॉस नहीं हुई, आई टोल्ड यू ना तुम ज्यादा क्लोज मत बनो। तो मोन इधर थोड़ी रो पड़ती है और बोलती है अगर मैं कॉल करूँ तो भी मैं रॉन्ग, अगर मैं मैसेज करूँ तो भी मैं रॉन्ग, अगर मैं केयर करूँ तो भी मैं रॉन्ग, मैं करूँ क्या, व्हाट यू वांट फॉर मी एंड व्हाट शुड आई डू। और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे काम को भी अप्रूवल नहीं दे रही हो। तो सैम बोलती है ओ अच्छा, तो तुम इतने केयर जो कर रहे थे वो अपने काम की वजह से। तो मोन बोलती है नहीं मैं सच में तुम्हारी केयर करती हूँ, बट क्या तुम सच में ऐसे ही ट्रीट करते हो जो तुम्हारी केयर करती है। फिर सैम स्वीट ड्रीम कह के फोन रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोन को जो ऑफिस आती है। ऑफिस में एंट्री करने के लिए वो अपनी आई कार्ड निकालती है बट वो गिर जाती है और तभी सैम आती है। सैम उसे एकदम से इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मोन को जो एकदम से सैड होके ऑफिस में बैठी होती है और सारी एम्प्लॉय यही डिस्कस कर रही थी कि सैम ने उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो कल सारी रात बैठ के रो रही थी। फिर तभी सैम की फियांसे आता है बहुत सारे खाने के पैकेट लेकर। फिर सैम आती है और एक पैकेट लेकर मोन को देती है बट मोन उस पैकेट को नहीं लेती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैम की फियांसे उसे बोलता है कि मोन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पागल है। तो सैम बोलती है तो मैं क्या करूँ, वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एम्प्लॉय की तरह ही वो मेरे लिए एक एम्प्लॉय है, बस वो न्यू आइडियाज ले आती है जो कंपनी के लिए बहुत सही है, बस दैट्स इट। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोन सैम और उसकी फियांसे एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि कल रात को जो भी हुआ उसके वजह से मोन बहुत ही सैड थी, तो इसी वजह से उसको हैप्पी फील करवाने के लिए ये सब था। तो सब लोग खा रही थी तो मोन उस जगह के बारे में एक गोस्ट की स्टोरी सुनाई और मोन स्टोरी को ऐसे डरावनी तरीके से बोल रही थी कि सैम उसकी बातों से डर गई थी। फिर वो लोग मोन को अपने घर में छोड़ने आता है। फिर वो लोग जाने से पहले मोन की घर के सामने उसके भाई को देखते हैं और उसकी फियांसे सोचती है कि ये मोन की बॉयफ्रेंड है, तो वो बोलता है कि हाउ क्यूट, अपनी गर्लफ्रेंड की वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं मोन को जो अपनी रूम में होती है और उसकी फ्रेंड भी आई हुई है। फिर दोनों बैठ के बातचीत कर रही थी और मोन की फोन में एक मैसेज आया, तो मोन देखती है कि सैम ने एक स्टिकर भेजा है, तो मोन भी सेम स्टिकर सैम को भेज देती है। फिर सैम की रिप्लाई आती है तुमने इतने जल्दी सीन कैसे किया, क्या तुम अभी तक सोए नहीं। तो मोन बोलती है हाँ हाँ मैं अभी सोने वाली हूँ, तो सैम बोलती है नो डोंट गो, मुझसे बात करो। और फिर बोलती है क्या तुम अपने रूम में अकेले सोती हो, और अगर तुम्हारी बेड पे जगह है तो वहाँ पर भूत आके सो जाएगी। तो मोन इधर थोड़ी हंसती है और सोचती है कि सैम उसे डरा रही है, तो मोन भी बोलती है कि तुम भी विंडो पर मत देखो, वहाँ पर भी भूत आ जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोन ऑफिस आती है और आज वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी और दीवारों पे लगी हुई सैम की पिक्चर देख रही थी और जैसे ही जा रही थी तभी सैम आके उसको रोक दिया और मोन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और सैम उसकी क्लोज आकर अपनी सनग्लास को थोड़ी नीचे करती है। और गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाती है और इस सीरीज की एपिसोड 3 अगले सैटरडे को रिलीज होगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं खूब ट्राई करूंगी एपिसोड 3 जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की। तो गाइस गैप द सीरीज की हिंदी एक्सप्लेन अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही स्वीट और क्यूट बीएल और जीएल सीरीज के लिए। तो स्टे ट्यून्ड एपिसोड 3, टेक केयर एंड बाय बाय।